और ये देखिए कितने सॉफ्ट है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जितने ये सॉफ्ट है उतने ही खाने में टेस्टी और हेल्दी भी हैं। तो ये देखिए आपको दिखाती हूँ कितनी लेयरदार कांटे बने। हेलो फ्रेंड, मैं सुजाता हूँ, स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी ट्रिपल नाइन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बथुआ परांठा रेसिपी, जिसे आप नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके रख सकते हैं और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो चलिए इधर हम बनाना शुरू करते हैं बथुआ के परांठे। तो इधर मैंने बथुआ लिया है, आधा किलो बथुआ है ये, इसे मैंने अच्छे से काट कर धो लिया है। और ये मिर्च ली है, इसके ऊपर की डंडियों को हटा दिया है, ये स्पाइसी मिर्च है, इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसे हम एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल के इसे कुक बॉइल होने के लिए रख देंगे। एक विसल सानने तक इसे हम बॉईल कर लेंगे। और फ्रेंड, इसके अंदर हम इस मिर्ची को भी ऐड कर देंगे। मिर्ची और बथुआ को हमें एक साथ बॉईल कर लेना है। और इसके अंदर हमने हाफ कप पानी का यूज किया है और इसका ढक्कन बंद करके हम एक विसल आने तक बॉईल होने देंगे। और ये देखिए एक विसल आने के बाद ये अच्छे से बॉईल हो चुका है और ये देखिए मिर्ची का भी कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और एक ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इधर मैंने लिया है 3 कप आटा, ये गेहूं का आटा है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 चम्मच ऑयल। गेहूं के आटे को फ्रेंड्स हमने अच्छे से छान लिया था, आप चाहो तो ऑयल यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी के अंदर मैंने जो बथुआ अपना बॉईल किया था उसको मिक्सर जार के अंदर डाल के ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, उसे भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इधर मैंने लिया है 2 चम्मच नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। और इधर मैं ले रही हूँ लाल मिर्च, हींग, जीरा और धनिया का मिक्स मसाला पाउडर, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। तो ये इधर मैंने 1 चम्मच लिया है। उधर मैं ले रही हूँ लहसुन, इसे भी मैं क्रश करके इस तरीके से इसके अंदर पानी डाल के और आटे के अंदर इसे हम ऐड कर देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमें डो सॉफ्ट ही लगाना है और ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। तब इस तरीके से हम छोटे छोटे पेड़े लेके हम एक पराठा बना लेंगे और इसे हम देखिए आटे से कोटिंग करके इस तरीके से हमें इतना भी लेना है। और ये फ्रेंड जो हमने लहसुन डाला था क्रश करके वो भी खूब अच्छी तरीके से पराठों के उसके अंदर देखिए हम ऑयल से इस तरीके से ग्रीस किया और इस साइड पर भी हमें ये ऑयल लगा देना है, तभी इसकी लेयर काफ़ी अच्छी आएगी पराठों की। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब इसे भी हम कोट कर लेंगे और ये देखिए बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो इस पराठे को हमने फ्रेंड्स तिकोना शेप दिया है, आप चाहो तो गोल भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद है उस तरीके का शेप दे सकते हैं। तो इधर गैस पे रख दिया है मैंने तवा, ये नॉनस्टिक है, आप चाहो तो नॉर्मल तवा का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम चारों तरफ डालकर रिफाइन ऑयल को और अपने पराठे को सेक लेंगे। आप चाहो तो घी या फिर बटर से भी पराठे को सेक सकते हैं। तो ये देखिए पराठे को हमें दोनों तरफ से सेक लेना है और ये पराठा काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल पराठा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे पराठे को भी बेल लेंगे और इसी तरीके से उसे भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए इधर फ्रेंड्स हमने अपने बथुए के पराठे को तैयार कर लिया है। आप इसे सुबह नाश्ते के तौर पे या लंच में किसी भी वक्त खा सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके दे सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से लेयर वाला पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है और इस तरीके से आप रोल करके बच्चों के टिफिन में भी इसे पैक करके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी हेल्दी भी है तो आपके बच्चे इसे खूब अच्छी तरीके से खा सकते हैं।
तो ये देखिए, आप इसे चाय से खाइएगा या फिर दही से या फिर सॉस चटनी आपकी मर्जी है उससे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स ऐसी और भी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।